Good morning, friends. Today we are going to study on the topic of the resistors which are connected in a series as well as a parallel connections. So we are going to study on the topic of resistors connected in a series. So what I will take is, I will take a resistor. I am taking three resistors. The one is R1, R2 and R3. So they are connected to a potential difference V. So this end is a positive and this end is a negative. So the one end of the R1 is connected to another end. So means the end of the R1 resistor is connected to starting of the R2 resistance, and the end of the R2 resistance is connected to starting part of the R3 resistors. So this is called as a series connections. कि इधर देखो कि R1 का जो end है वो R2 का starting point को connection से, वो सिमिलरली R2 का जो एंड है R3 को स्टार्टिंग पॉइंट का कनेक्शन से. तो ऐसे रहे तो हम व्हाट वी कॉल इट इज अ सीरीज कनेक्शन. सो इधर क्या होता है कि द करंट इज फ्लोइंग इन अ वन डायरेक्शन. सो एक ही डायरेक्शन में करंट हमारा पास हो रहा है, तो इसके लिए ना सो द R1 रजिस्टर में भी सेम ही करंट पास होगा, R2 में भी सेम ही करंट पास होगा और R3 में भी सेम ही करंट पास होगा. सो दो करंट पास होने के लिए क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी हायर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. सो मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप अलग ही होना चाहिए. सो R1 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1 है, और R2 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2, और R3 में पोटेंशियल ड्रॉप V3. मतलब सो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली करेंट इज फ्लोइंग. तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एक बॉटल में पानी है, तो ऐसा बॉटल में पानी है, तो ये पानी बाहर गिरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉटल को सिर्फ ऐसे ट्रीट करते, मतलब एक रीजन को हायर बनाते, दिस रीजन इज हायर लेवल और दिस रीजन इज लोअर लेवल. सो देन ओनली हमारा वाटर इजीली नीचे फ्लो होगा. तो इस हिसाब से देखें तो हमारा करंट फ्लो होने के लिए इसका एंड मतलब R1 का जो एंड रहता है वो हायर पोटेंशियल रहना चाहिए और R2 का लोअर पोटेंशियल रहना चाहिए. देन ओनली द करेंट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. सो इसके हिसाब से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप. सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप. सो द स्पीड इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप. सो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इज V. So individual potential drop we are taking it as V1 plus V2 plus V3. So from Ohm's law we know that I R1 V1 में कितना हो रहा है कि IR1 है potential drop, और V2 में IR2 है, और V3 में IR3. So सब जगह पे हमारा current का value क्या है, same ही है. तो इसके लिए ना हम लोग IR1 IR2 plus IR3 लेते. So when I take I as a common, so R1 plus R2 plus R3, so the main I can take it as this RS is indicating equivalent resistance. So when resistors are connected in a series, so iska equivalent resistance hua. So this I get cancelled. So what we get is RS is equal to R1 plus R2 plus
R3. So we have connected three registers in a series connection. So what we got is R1 plus R2 plus R3. अगर हम लोग n नंबर ऑफ सीरीज को कनेक्शंस की मतलब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स को कनेक्ट किए देन माय इक्वेशन विल बिकम्स आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस अप टू आर एन तक. सो ऐसा हमारा सीरीज कनेक्शंस में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. सो और इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखने का कि यूजिंग दिस इक्वेशन सो द मेन इम्पॉर्टेंट हियर इज माई टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आर एस वैल्यू का वैल्यू कितना रहता है कि अगर हमारा थ्री रजिस्टर से सॉरी अगर हमारा अभी इधर कितना है थ्री रजिस्टर से आर वन आर टू आर थ्री. सो इसमें से किसका वैल्यू ज़्यादा रहता है. अगर आर वन का ज़्यादा है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर एस का वैल्यू होता है ना वो आर एस का वैल्यू कितना रहता है कि दैट विल बी ग्रेटर देन आर वन. सपोज आर टू का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है समझो इधर 2 ओम है और ये 5 ओम है और ये 8 ओम है तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज तो उसका वैल्यू कितना रहेगा कि इसका वैल्यू मोर देन इसमें से किसका वैल्यू ज़्यादा है आर थ्री का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है कितना है 8 ओम तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मोर देन 8 ओम आता है. तो कॉम्पिटेटिव पार्ट में ये हमको याद रखने का कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज कनेक्शन किए तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू देखे तो जिसका वैल्यू ज़्यादा रहता है ना उससे बड़ा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन. सो अभी पैरेलल कनेक्शंस देखे तो सो नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल. सो रजिस्टर्स आर कनेक्टिंग पैरेलली. सो दिस वन इज आर वन रजिस्टर्स दिस इज आर टू रजिस्टर एंड दिस इज आर थ्री रजिस्टर्स. सो इन लोगों को हम लोगों ने पोटेंशियल ड्रॉप को कनेक्ट किया. तो हम लोगों को कैसे ये पैरेलल कनेक्शन से कैसे वो हम लोगों को कैसे याद रखने का कि ये सर्किट में दीज रजिस्टर्स आर पैरेलल कनेक्शन से और सम ऑफ द रजिस्टर्स आर सीरीज कनेक्शंस में है. सीरीज का तो हमने देख लिया अभी पैरेलल का कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ आर वन रजिस्टर और स्टार्टिंग ऑफ आर टू रजिस्टर और स्टार्टिंग ऑफ आर थ्री रजिस्टर्स. सो ऑल दीज थ्री आर कनेक्टेड टू स्टार्टिंग ऑफ माई पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज पॉजिटिव एंड एंड अनदर एंड देखे तो सो दिस इज अनदर एंड. सो आर वन का डेड एंड आर टू का एंड और आर थ्री का एंड. सो ऑल दीज थ्री आर कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप. सी द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एंड टर्मिनल ऑफ द रजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री एंड हियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री. सो दिस कनेक्शन वी आर कॉलिंग इट एज अ पैरेलल कनेक्शन. सो इधर क्या है कि सपोज अ करेंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट. सो दिस आई करेंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट. सो देन वॉट इज हैपनिंग हियर इज द करेंट इज ब्रांचिंग करेंट इज डिवाइडिंग हियर. सो हियर द आई वन करेंट विल फ्लोज एंड हियर आई टू करेंट विल फ्लोज एंड हियर आई थ्री करेंट विल फ्लोज. सी कि ऐसा नहीं है कि द सेम इलेक्ट्रॉन्स पासिंग हियर द सेम इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन द आर वन रजिस्टेंस दैट नीड नॉट मी पासिस थ्रू द रजिस्टेंस आर टू.
अगर R1 में जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है उसको R2 में पास होने का नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले अलग ही पाथ है। सो I1, I2 और I3, इसके लिए ना करंट क्या होता है, इसमें हर जगह में करंट क्या होता है कि डिफरेंट ही रहता है। तो टोटल करंट इन द सर्किट हम लोगों को कैलकुलेशंस करने का, तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट उसको हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस एंड I3। सो पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शंस में हर जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम ही रहता है। सो वो उसका वैल्यू कितना रहता है, वो V रहता है। सो पोटेंशियल ड्रॉप तो सब में सेम ही रहता है। तो इसके लिए ना व्हाट आई कैन राइट इज I1 इज नथिंग बट V बाय R1। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो ओम्स लॉ सजेस्ट दैट I इज इक्वल टू V बाय R। सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1। मैंने V1 नहीं लिया क्योंकि सभी रजिस्टर में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू सेम ही है। सो I2 में क्या होता है, V बाय R2, और I3 में क्या होता है, V बाय R3। सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो V, एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज ऑल्सो V, एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज ऑल्सो V। तो हर जगह पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू सेम ही है। तो आई कैन राइट V बाय RP। सो दिस RP इज रिप्रेजेंटिंग, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, सो दिस आई कैन कॉल इट एज अ इक्विवेलेंट रजिस्टर। सो दिस इज इक्विवेलेंट रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो here what I can do is I will take a V common, so 1 by R1 plus 1 by R2 and 1 by R3, so V by RP, so VV get cancelled, so this equivalent resistance will come 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Suppose there are n number of रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलली, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, देन माई इक्वेशन विल बिकम्स लाइक 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN। सो हमारा रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शंस होने के बाद हमको द फॉर्मूला वॉट वी गॉट इज 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही इक्वेशंस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किए तो LCM क्या होता है, R1, R2 और R3 आता है, और इधर क्या होता है, R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2। ओके अभी पैरेलल कनेक्शंस में व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट एवर द RP वैल्यू वी आर गेटिंग, दिस RP वैल्यू इज ऑलवेज अ लेस देन स्मॉलर वैल्यू ऑफ अ रजिस्टेंस, स्मॉलर वैल्यू ऑफ अ रजिस्टेंस, स्मॉलर वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सपोज हमारा इस सर्किट में, सॉरी अगर मेरा इस सर्किट में R1 का कितना है वैल्यू 2 ओम है, R2 का कितना है 5 ओम है, और R3 का कितना है समझो 8 ओम है, तो मेरा RP का वैल्यू जितना आता है कि वो दैट विल बी अ लेस देन अ 2 ओम, क्योंकि इस तीन रजिस्टर में किसका वैल्यू छोटा है, R1 का रजिस्टर, वो कितना है 2 ओम है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा RP का वैल्यू दैट विल बी लेस देन अ 2 ओम। सो ये हमको कॉम्पिटेटिव पार्ट में हेल्प होगा, इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा सीरीज कनेक्शंस हुआ और पैरेलल कनेक्शंस हुआ, तो
नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ दिस, अभी क्या करने का, अभी व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ शेल, सो विल डू ग्रुपिंग ऑफ दीज शेल्स. सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. सो दो शेल लेके हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ए का कैसे करेंगे, एक को हम लोग सीरीज कनेक्शंस करेंगे और एक अनदर पैरेलल कनेक्शंस करेंगे. सो वन बाय वन वी विल स्टडी. सो सेल में हमारा अभी एक शेल लिया, तो इसका पॉजिटिव एंड ये शेल है, इसका नेगेटिव एंड. तो इसको अनदर शेल को कनेक्शंस करता हूँ. दिस इज अनदर शेल. सो दोनों कनेक्शन किया, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड. सो एंड टू एंड कनेक्शंस आर देयर. सो इसका शेल का ईएमएफ वैल्यू E1 लेता हूँ और इसका क्या लेता हूँ E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 रहता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 रहता है. तो वही सर्किट कनेक्शंस में ये एक पॉइंट E1 हुआ और एक पॉइंट E2 हुआ. सो E1 का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और E2 का रेजिस्टेंस R2 है. सेम इसका E1 का R1 और E2 का R2. सो इफ आई टेक दिस एंड इज A एंड दिस एंड इज B एंड दिस एंड इज C पॉइंट. सो आई वॉन्ट टू टेक अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज A एंड B. सो दैट इज VAB. सो इसके में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, VAB इज नथिंग बट VA माइनस VB. सो इसका वैल्यू क्या आएगा कि E1 माइनस I R1. सो सिमिलरली अनदर शेल का पोटेंशियल डिफरेंस VBC. सो इसका VB माइनस VC. सो व्हाट विल गेट इज E2 माइनस IR2. सो E1 इज अ EMF ऑफ द सेल E1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो वैल्यू IR1 है. तो सिमिलरली E2 माइनस IR2. तो इसका पूरा आप लोगों को देखने का कि मीन्स टू स्टडी दिस VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2, यू नीड टू रेफर माई ओल्डर वीडियोज. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ईजिली लॉजिक अप्लाई करोगे कि ये वैल्यू कैसे आया करके, ये इक्वेशन कैसे आया करके. सो ये इक्वेशंस को मगअप और रिमेंबरिंग करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग लॉजिक अप्लाई किए तो वी विल गेट दीज टू इक्वेशंस. सो द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स VAC. सो क्या करते हैं कि सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन VAC इज नथिंग बट VAB प्लस VBC. सो हम लोग सीरीज कनेक्शन है तो पोटेंशियल ड्रॉप, इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करके हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है. सो रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में देखें ना, तो सिमिलरली सो VAB का वैल्यू क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस VBC का वैल्यू क्या है, E2 माइनस IR2. सो E1 प्लस E2 हुआ प्लस सॉरी माइनस IR1 माइनस IR2 है. सो माय इक्वेशन विल बिकम्स E1 प्लस E2 माइनस IR1. सो R1 प्लस R2. सो दिस इज VAC. सो आफ्टर सीइंग दिस इक्वेशन, सी वी नो दैट टर्मिनल वोल्टेज इज लाइक दिस
formula Vt is equal to E minus IR. So by comparing these two equations, one and two equations, what I can write is the equivalent of EMF, equivalent of EMF is equal to E1 plus E2. Agar n number of cells are connected in a series, then what it will come up to En. So similarly, equivalent of resistance, equivalent of internal resistance, equivalent of internal resistance. So that is R equivalent. So equivalent of internal resistance. इंटरनल का रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहता है तो इसके लिए हम लोग स्मॉल आर को यूज़ करते हैं. सो दैट विल कम R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn. सो सीरीज कनेक्शंस में हुआ तो हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या रहेगा कि R1 प्लस R2 सो अप टू Rn. तो दिस इज द सिमिलरली व्हेन अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज व्हाट वी गॉट इज Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn. The same equations, so both the equations are representing the same logic. Okay, now next is I hope you all understood this thing. इधर क्या है कि सिर्फ हम लोगों को सीरीज कनेक्शन है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज नथिंग बट इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप. सो इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप, एक एक सेल का मैंने पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू लिया हूँ वी ए बी प्लस वी बी सी. तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. तो उसका सिर्फ मैंने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया. सो व्हाट आई गॉट इज E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2. ए दिस वी गॉट व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. In a series, agar if I have connected a n number of cells, so if I connect n number of cell, then our equation is like this. So next we will go to parallel connections. So इसका थोड़ा pencil change करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा इफेक्टिव रहने दो. सो दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, वही हम यूज करेंगे. सो नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शंस. सो सेल्स आर कनेक्टिंग पैरेलली. सो दिस इज अनदर वे ऑफ grouping of the cell. So again we will take a two cell. So this is positive terminal and this is negative terminal. So ये दोनों का स्टार्टिंग एंड, इससे अनदर सेल का स्टार्टिंग एंड का कनेक्शन है और ये दोनों का एंड टू एंड कनेक्शन. तो इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को कनेक्शंस किए. इधर इसका नेसेसिटी नहीं है क्योंकि हम लोगों को क्या करने का है, सिर्फ इस सेल का पैरेलल कनेक्शन होने के बाद अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है तो उसका रीडिंग हमको कैलकुलेशंस करने का है. तो दिस आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, वन इज E1 एंड अनदर एंड इज E2. सो दिस इज हैविंग द E1 वैल्यू एंड दिस इज हैविंग द E2 वैल्यू. और इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 रहेगा. दीज आर दी इंटरनल रेजिस्टेंस. सो हम लोगों को A2C से पोटेंशियल ड्रॉप को मेजरमेंट करने का. सो वी नो दैट
पैरेलल कनेक्शंस में हमारा आई करंट क्या होता है, ब्रांचेस होगा, तो इसमें आई वन फ्लो होगा और इसमें आई टू फ्लो होगा। सो द टोटल करंट इज आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। सो अभी टू कैलकुलेट दिस आई वन एंड आई टू, ये इंडिविजुअल सेल को हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर को कनेक्शंस करेंगे। तो वोल्ट मीटर को कनेक्शंस करने के बाद ना वो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिखाएगा वो हमारा क्या रहता है, टर्मिनल वोल्टेज रहता है। सो दैट टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ई माइनस आई आर, तो वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसको हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्शंस किए तो सो व्हाट आई विल गेट इज वी टी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो इसका ई एम एफ कितना है, ई टू है और माइनस आई आर वन। तो सिमिलरली इसका क्या आएगा, तो इसका भी हमारा क्या आता है कि आंसर वी टी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन। सो इधर दोनों में वी टी ही लिया हूँ टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल कनेक्शंस में क्या रहता है, एक ही वैल्यू रहेगा। तो इसके हिसाब से सी इधर करंट का आई वन रहेगा, इधर करंट आई टू रहेगा। आई वन और आई टू अलग ही रहता है। सो इधर आई वन एंड इधर इज आई टू। वोल्ट मीटर को कनेक्शन करने के बाद हमारे इक्वेशंस ए आएगा। सो नेक्स्ट क्या है, तो वी टी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन है। सो आई वन आर वन है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आई विल डू इज दिस वी टी को आई विल टेक इट एज अ ई वी, और इसको ई वन को इधर मैंने भेजा। सो वी माइनस ई वन इज इक्वल टू माइनस आई आर वन। सो दिस इज नथिंग बट आर वन माइनस आई वन। सो वी विल मल्टीप्लाई आई वन ऑन, सॉरी वी विल मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स। सो देन व्हाट आई विल गेट, ई वन माइनस वी डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू प्लस आई वन। सो सिमिलरली आई टू व्हाट आई विल गेट इज ई टू माइनस वी डिवाइडेड बाय आर टू। सो वी हैव अ इक्वेशन पैरेलल कनेक्शंस में हमारा टोटल करंट क्या रहता है कि इंडिविजुअल करंट से को हम लोग ऐड करते हैं। सो आई वन प्लस आई टू, सो ई वन माइनस वी डिवाइडेड बाय आर वन प्लस ई टू माइनस वी डिवाइडेड बाय आर टू। सो आगे हमारा सिर्फ क्या है कि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इज देयर। सो दिस व्हाट आई विल डू इज ई वन, आई कैन राइट ई वन बाय आर वन माइनस वी बाय आर वन। सो दिस इक्वेशन विल कम्स लाइक ई टू बाय आर टू माइनस वी बाय आर टू। सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ई वन और आर वन को एक ही जगह पे लेते हैं। सो ई टू बाय आर टू ये क्वेश्चन इधर है, और इधर क्या है माइनस वी को कॉमन लेता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट इज वन बाय आर वन। सो हियर माइनस वी बाय आर टू इज देयर, सो वी इज अ कॉमन हियर। सो व्हाट आई विल टेक, द प्लस साइन विल कम। सो ये ई वन आर वन एज इट इज और ई टू आर टू एज इट इज, और इधर वी दोनों तरफ में सेम है तो वी को कॉमन लिया। सो इन साइड दिस ब्रैकेट व्हाट आई विल गेट इज वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। सो दिस इज अ हाई वैल्यू। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज इस वी को इस जगह पे भेजा तो व्हाट आई विल गेट इज प्लस होता है, तो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। सो हियर ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू। तो मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ हम लोगों को अभी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने का, कि फाइनल आंसर को हम लोगों को कंपैरिजन करने के लिए, हमारा वी टी वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए। सो इधर क्या होता है, अगर नेक्स्ट वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू आई विल टेक अ एल सी एम। सो आर वन इंटू आर टू, सो दिस साइड विल कम आर टू एंड हियर दिस सेक्शन इज आर वन। सो दिस आई अगेन आई एम सेंडिंग हियर, सो ई बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू। सो आई इज कमिंग हियर मीन्स इट विल बिकम अ माइनस साइन।
So here next what I will take is I will take a common here, sorry LCM R1 and R2 ka. So R1 R2 becomes then E1 R2 plus E2 R1 minus I. So in this LHS side R1 plus R2 divided by R1 into R2. So now the cross multiply. So what I will send all these R1 plus R2 divided by R1 plus R1 into R2 in this section. So E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2. So this equation I have written as it is. Now next cross multiplication, this R1 R2 will come here divided by this R1 plus R2. Next minus I. So this I is nothing but the same thing. So this R1 and R2 divided by R1 plus R2. So ये दोनों equation cancel होगा. So V is equal to E1 R1 plus E2 R2, sorry E1 R2 E2 R1. E1 R2 divided by E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I into R1 into R2 divided by R1 plus R2. So the final equation, what I will do is I will divide this equation by R1 and R2, both equation by R1 and R2. Then what I will got is E1 R2 divided by R1 into R2 plus E2 R1 divided by R1 into R2. So this R1 plus R2 as it is. Instead of doing this, this will take a lengthy process. So this directly I can compare with our equation Vt is equal to E minus I R. So terminal voltage is equal to EMF minus I R. So this E is equivalent resistance, equivalent EMF, and this is equivalent internal resistance. So with the help of this, what I will get is E equivalent. I can write it as E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. So R equivalent, what I can write is R1 into R2 divided by R1 plus R2. So with the help of this equation, we can calculate a various number of various numericals. So अगर n number of series को connections किए parallelly, n number of resistors are connected parallelly, so उसका equations को हम लोगों को simplification करना पड़ेगा. So इसके if we converted like this, then what I will get is R equivalent is nothing but 1 by R1 plus 1 by R2, so up to 1 divided by Rn. So the equations will come like this. So when the resistors are connected parallelly, so our 1 by Rp is also the same equations like this, 1 by R1 plus 1 by R2, so up to 1 by Rn. This is parallel connections of a grouping cell. I hope you all understood, and thank you.